है हेलो गाइस, स्वागत है सबको मेरे और एक नए वीडियो में। आज मैं कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को, कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या सीखोगे आप लोग। सबसे पहले तुम लोगों को मैं कहानी सुनाता हूँ। अभी जो मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, जो कि रियल है, हुआ है उस लड़के के साथ। ऐसा हुआ है, हुआ क्या था, लड़का का करीब 70 के आसपास लेवल था और लड़के का ऐसे 45 से 50। लड़का का आईडी में बहुत सारा पैसा भी लगाया था, लड़के ने पास वगैरह बंडल सब, मतलब अच्छे अच्छे गन के स्किन भी थे। उसको एक लड़की मिल गया, लड़की का करीब 45 से 50 ऐसा कुछ लेवल था। लड़की ने उसको रिक्वेस्ट दिया था, ठीक है। फिर देने के बाद एक दो मैच खेला, खेलने के बाद लड़की बोल रहे मुझे तुमसे प्यार हो गया, आई लव यू बोलने लगा। दो मैच के बाद ही बोल रहे हैं कि तुम कितने अच्छे हो, गेम में खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है, तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुमसे प्यार हो गया, ऐसे बहुत तारीफ किया लड़की ने, लड़के का बहुत तारीफ किया। लड़के भी बोला हाँ ठीक है, कोई अगर प्रपोज करेंगे तो लड़का लोग तो होता ही कैसा है, मेरे को भी बताया, तो लड़की अगर प्रपोज करेगी तो ले ही लेगा ना। उसके बाद लड़की का अपना नंबर दिया और लड़का भी अपना नंबर दिया लड़की को, ठीक है। तब ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए, जिस दिन मिले थे उसी दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, नंबर एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, लड़की ने लड़का को कॉल किया, कॉल करके बोल रहा है कि तुम्हारा आईडी दो, मैं तुम्हारा आईडी में एक मैच खेलना चाहता हूँ, तुम्हारा आईडी में बहुत सारा कपड़ा भी है, बहुत सारे गन की स्किन भी है, मैं तुम्हारा आईडी में एक मैच खेलना चाहता हूँ, तुम्हारा आईडी और पासवर्ड दो मेरे। लड़के ने बोला हाँ ठीक है चलो ले लो, तुम गर्लफ्रेंड हो तो तुम ले ही सकते हो। फिर आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो लड़की ने आईडी और पासवर्ड लेके फेसबुक में लॉगिन किया। लॉगिन करके उसका नंबर भी था, नंबर हटा दिया और फिर पासवर्ड भी चेंज कर दिया और फिर लड़के का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। देखो कितना बड़ा स्कैम हो गया लड़के के साथ। लड़का ने यकीन करके लड़की को अपना आईडी और पासवर्ड दिया, जैसे ही दिया वैसे ही वो सब कुछ हटा के खुद का डाल दिया। अब ऐसा सिर्फ लड़की के साथ ही नहीं, लड़कियों के साथ भी हो सकता है, इसलिए लड़की और लड़के लोग सब लोग होशियार रहो कि कौन किस तरह बात कर रहा है, उसका नियत क्या है, आईडी लेने का नियत है कि हाँ सच में बोल रहा है, सब सेम नहीं होता। भी लड़की आएगा आके तुमको आई लव यू बोलेगा, उसके बाद तुम्हारा आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ऐसा तो तुम कभी यकीन मत करो, अपना आईडी और पासवर्ड मत देना किसी को भी। अगर तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लड़कियां हैं और कोई लड़की तुम्हारा आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो फिर तुम थोड़ा सोच समझ कर देखो कि हाँ इसको देना सही होगा या गलत। और अपने फेसबुक अकाउंट हो या जीमेल अकाउंट हो तो अपना खुद का जो प्राइवेसी होता है वो थोड़ा बढ़ा के रखो, टू स्टेप को ऑन करके रखो, ईमेल आईडी डाल के रखो अपने फेसबुक के अकाउंट में। अगर तुम अपना फेसबुक में अगर ईमेल आईडी डाल के रखोगे तो कोई अगर ले भी लेगा तुम्हारा अकाउंट, तो उसके बाद तुम्हारे उधर सिक्योरिटी को योर अकाउंट करके एक मेल आएगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो फेसबुक लॉक हो जाएगा, उसके बाद तुम अनलॉक कर पाओ। तो चलो अब देखते हैं ईमेल आईडी और फोन नंबर कैसे जोड़ते हैं अपने फेसबुक अकाउंट। तो सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन कर लो, ओपन करने के बाद इधर राइट साइड ऊपर 3 डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक करो, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके प्राइवेसी शॉर्टकट पे जाओ और फिर थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करो और इधर दिखा होगा अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पे दबाओ। फिर इसको दबाने के बाद कॉन्टेक्ट इन्फो में जाओ, कॉन्टेक्ट इन्फो में जाके तुम देख सकते हो कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी से तुम्हारा फेसबुक आईडी रजिस्टर है। अगर तुम इधर फोन नंबर ऐड करना चाहते हो तो इधर लिखा है ऐड फोन नंबर, और ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हो तो इधर एडेड ईमेल आईडी लिखा है, तो इसको दबाने बाद नंबर पूछेगा, अपना नंबर दोगे तो उस नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा, वो लोग ओटीपी अगर उधर दे दोगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा। ईमेल आईडी का भी सेम प्रोसेस है, अपना ईमेल आईडी दोगे, अपना ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, कोड आएगा, वो कोड सेम इधर दे दोगे, फिर वो ईमेल आईडी भी रजिस्टर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन की। ये अगर ऑन करोगे तो तुम अपना पासवर्ड आईडी पासवर्ड किसी और को भी दे दोगे तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, तुम्हारे फोन में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दोगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इधर नंबर मांग रहे हैं, नंबर दोगे, नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सेम इधर दे देना, ये भी ऑन हो जाएगा। तो इस अभी चेक करो कि तुम्हारा फेसबुक किस नंबर से रजिस्टर है, अगर पुराना वाला नंबर है तो उसको हटा दो, उस नंबर पे जैसे ही दबाओगे रिमूव का ऑप्शन आएगा, पहले ऐड करो उसके बाद रिमूव कर दो। फोन नंबर जो ईमेल आईडी अभी तुम यूज कर रहे हो वही उसमें रजिस्टर करो, और अपना ईमेल आईडी अपने फेसबुक के साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ले भी लेगा तो सिक्योर अकाउंट करके एक मेल आएगा तुम्हारे, दबाओगे तुम्हारा फेसबुक लॉक कर दिया जाएगा। फिर उसमें 3-4 ऑप्शन डाल दिया जाएगा, ऐसा ऑप्शन होगा कि तुम्हारे फ्रेंड को देख के अपना नाम बताओ, 5 फ्रेंड का फोटो दिखाएगा और वो नाम अगर सही से बोल दिया तो ही वो फेसबुक अनलॉक होगा, और ये सिर्फ जिसका फेसबुक अकाउंट है वही बता पाएगा, अदरवाइज तो कोई नहीं बता पाएगा। तो ईमेल आईडी डालना जरूरी है, अभी चेक करो ईमेल आईडी डाला हुआ है या नहीं, नहीं है तो अभी डालो। और इस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।